Hello everyone, I am Arvinder Kaur at MindR. Children, this is our revision lecture for class 8th history, and the name of the chapter is How, When and Where. So children, you might have rewatched the previous video and also read your book properly. Then what next? You might be feeling very confident that you have gained all the proper नॉलेज रिगार्डिंग द चैप्टर. आपने चैप्टर को लेके पूरी नॉलेज गेन कर ली है. तो चलिए देखते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया और क्या आपसे छूट गया. सो बेटा, सबसे पहले अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. हमने चैप्टर में आपको बताया था दैट देयर आर सम ऑफ द अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑल्सो दैट गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉलोनियल पीरियड. एंड उन्हीं अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड थे न्यूज़पेपर्स. सो हेयर इज़ अ कटिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर. ये आपकी बुक में से हमने सोर्स लिया है. दिस इज़ अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. नाउ दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक एट द पेज नंबर 7. तो पेज नंबर 7 पे ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है. आप ध्यान से, अगर आपने बुक को रीड किया है तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा. Now what is written in it? Let's see. The heading of the news is not fit for human consumption. Newspapers provide accounts of the movements in different parts of the country. Here is a report of a police strike in 1946. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line's kitchen. As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strikers said, "The food supplied to us from the police line's kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है कि ये कटिंग किस न्यूज़पेपर की है. इट इज़ फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स, 22nd of March 1946. और ये क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है न्यूज़पेपर, उस पीरियड का न्यूज़पेपर है 1946 का. से पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है दैट कि 1946 में पुलिस स्ट्राइक हुई थी. पुलिस ऑफ जो मैन थे उन्होंने एक स्ट्राइक की थी जिसमें नियर अबाउट 2,000 पुलिसमैन थे दिल्ली में, जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. इट वाज ऑन थर्सडे मॉर्निंग कि उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ये खाना नहीं खाएंगे. देवर प्रोटेस्टिंग कि इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लो सैलरी मिलती थी, बैड क्वालिटी का उनको फूड सप्लाई किया जा रहा था. कहाँ से? पुलिस लाइन्स किचन से. सो जैसे ही ये न्यूज़ अदर पुलिस स्टेशंस में स्प्रेड हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे भी जो पुलिसमैन थे दे ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू ईट द फूड. उन्होंने भी मना कर दिया. और उन्हीं में से एक स्ट्राइकर जो था पुलिसमैन, उसने ये कमेंट किया दैट दिस फूड, इवन दिस फूड इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. इंसानों के खाने के लायक नहीं है ये खाना. इवन कैटल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो भी इस टाइप की चपाती और दाल नहीं खाएंगे. सो लेट्स हैव द क्वेश्चंस नाउ. अब इसी के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. हेयर आर योर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग. थर्सडे मॉर्निंग को पुलिसमैन जो थे दिल्ली के, उन्होंने फूड लेने से इनकार क्यों कर दिया था. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द मैन इन अदर पुलिस स्टेशंस रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो अबाउट द प्रोटेस्ट. जब अदर पुलिस स्टेशन के जो पुलिसमैन थे, जब उन्हें इस प्रोटेस्ट का पता चला तो हाउ डिड दे रिएक्ट, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट वाज द कमेंट ऑफ वन ऑफ द स्ट्राइकर्स ऑन द फूड सप्लाइड टू देम. उन्हीं में से एक स्ट्राइकर का क्या कमेंट था. सो बेटा, आई नो दैट यू माइट हैव फाइंड आउट द आंसर्स. आपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे बड़े इजीली. पैसेज को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा. सो आप अपने आंसर्स को अब मेरे साथ मैच करेंगे दैट व्हाट आर द प्रॉपर आंसर्स फॉर द क्वेश्चन.
सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डिड द पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग. तो पुलिसमैन ने अपना फूड लेने से मना क्यों कर दिया था थर्सडे मॉर्निंग को, ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, उन्होंने क्या आंसर, क्या रीज़न दिया था. डिड इट सो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन. उन्होंने ये इसलिए किया था बिकॉज उनको लो सैलरी मिल रही थी, उनको फूड जो है बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का मिल रहा था, घटिया खाना खाने को दिया जाता था उन्हें. तो बेटा ये हमारे को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पीरियड की दे रहा है ये क्वेश्चन, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, कि उस पीरियड में जो पुलिसमैन थे जो कि इंडियन होते थे उनके साथ में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल था, वो इंडियंस को जो है अपने इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, हाउ डिड द मैन इन अदर पुलिस स्टेशंस रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो अबाउट द प्रोटेस्ट. जो दूसरे पुलिस स्टेशंस में मैन थे, जो दूसरे पुलिस स्टेशंस वाले पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया. यस यू माइट हैव फाइंड द आंसर, आपको पता है आंसर क्या होगा. तो लेट्स मैच योर आंसर कि इसका आंसर क्या है. द आंसर इज दे ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, कि उन्होंने भी खाना लेने से मना कर दिया था. Now next question, your third question was, what was the comment of one of the strikers on the food supplied to them? उन्हीं में से एक जो स्ट्राइकर था उसने क्या रिप्लाई किया था, क्या कमेंट किया था. उसने ये कमेंट किया था दैट दिस फूड इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, की खाना लोगों के खाने लायक नहीं है, इसको तो कैटल्स भी नहीं खाएंगे, जानवर भी नहीं खाएंगे, इवन द कैटल्स वुड नॉट ईट द चपाती एंड दाल, दिस टाइप ऑफ चपाती एंड दाल. सो इट वॉज़ वेरी ईजी, आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए होंगे आई होप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेटा नाउ इट इज़ अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. आपने अपनी बुक में बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, इवन आपने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी मैंने आपको कुछ एक विजुअल्स जो थे वो शो किए थे और उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी थी. तो लेट्स चेक यू नाउ कि आपने कितना अच्छे से उसको अपने आप कैप्चर किया है उस नॉलेज को. लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखिए, और ये आपकी बुक पे पेज नंबर 5 पे दी हुई है पिक्चर, याद आ गया आपको. सो व्हाट इज इट, ये क्या है अगर आप बता सकें तो. एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज इट, ये क्या है. योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड इट कम अप, ये कब बनाई गई थी, ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई थी ये कब बनाई गई थी. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वॉज इट लोकेटेड व्हेन दिल्ली वॉज बिल्ट, जब दिल्ली को बसाया गया, दिल्ली शहर जो है वो बसाया गया था, तो ये बिल्डिंग कहाँ पर लोकेट थी, उस समय इसके पास में क्या था, या ये किस चीज़ के पास में थी. एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट, ये लोकेशन क्या शो करती है इस बिल्डिंग के बारे में. सो लेट्स हैव द आंसर्स. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इट, तो बेटा दिस इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये वो म्यूजियम है जो कि जिसको कि हम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था. एक्चुअली इट इज़ अ टाइप, इट वॉज द रिकॉर्ड रूम फॉर देम, जिसमें वो अपने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे. और आज भी ये म्यूज़ियम जो है, इतना लार्ज म्यूज़ियम है, इसमें आपको अपने हिस्ट्री, अपने पास से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलती है, ब्रिटिशर्स के पीरियड की भी, उससे पहले की भी, और इवन उसके बाद की भी. इवन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑडियो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की गई, वो सब कुछ यहाँ पे संभाल के रखा गया है. कभी आप दिल्ली जाओ तो इसको विज़िट करना, ज़रूर देखना, इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी. एंड बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड इट कम अप, कब बना था ये. यस यू नो द आंसर, इन 1920s में इसको बनाया गया था.
और थर्ड क्वेश्चन है आपका कि व्हेन दिल्ली वाज बिल्ट वेयर वाज इट लोकेटेड. तो जब दिल्ली को बसाया गया था तो ये बिल्डिंग कहाँ थी. इट वाज क्लोज टू द वाइस रीगल पैलेस. ये वाइस रीगल जो पैलेस है, जो वॉइस राय का पैलेस था, उसके बिल्कुल क्लोज थी ये बिल्डिंग, बिल्कुल पास में पड़ती थी. नाउ व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, आपका फोर्थ क्वेश्चन, कि ये क्या शो करता है. ये शो करता है कि उस इस बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंट थी ब्रिटिशर्स के लिए ये म्यूजियम, ये जो आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया इन्होंने, कि इसको बिल्कुल वॉइस राय के पैलेस के क्लोज बनाया गया, बिल्कुल उसके पास बनाया गया था. सो ऑल द फोर क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यस बेटा, नाउ हेयर इज़ वन मोर पिक्चर फॉर यू एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ है इस पिक में. और ये आपकी बुक के पेज नंबर 1 पे दी हुई है ये पिक. बिल्कुल आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 1 पे, सबसे पहले आपको ये पिक नज़र आएगी और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है उसमें. एक्चुअली ये जितने भी मैंने आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा या आपको जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे रही हूँ, इनके आंसर्स आपको कहीं बहुत ढूंढने की या बहुत दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपने बहुत ध्यान से चैप्टर को रीड किया है तो आपने देखा होगा हर पिक के नीचे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है और बहुत ईजिली आप उसको जो है आंसर कर सकते हो, समझ सकते हो. सो लेट्स बेटा लुक एट द पिक्चर नाउ. ये आपके सामने एक पिक्चर है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको. क्या देख रहे हो आप इसमें? इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ एक ब्राह्मण्स हैं, धोती पहनी हुई है, एंड दे आर गिविंग समथिंग टू समवन. वो किसी को कुछ दे रहे हैं. और पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो एक लॉयन है, एक स्टैचू के ऊपर लॉयन बना हुआ है. तो लेट्स हैव द क्वेश्चंस. इसको बड़े ध्यान से देखिए पिक को, फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं हम. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज द अबव पिक्चर ट्राई टू सजेस्ट. अगर आपने बुक में पिक्चर देखी है ये, तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, उसको भी आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा अगर, तो आप बड़े अच्छे से आंसर दे दोगे. व्हाट डज द अबव पिक्चर ट्राई टू सजेस्ट. ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, क्या शो कर रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एंड इम्पीरियल परसेप्शन. और इस पिक्चर को देखने के बाद ब्रिटिशर्स की क्या इमेज आपके सामने शो हो रही है, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इंडिया में, किस परसेप्शन, उनकी क्या परसेप्शन थी, क्या इस पिक्चर को देख के आपको पता चलता है. सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज द अबव पिक्चर ट्राई टू सजेस्ट. ये क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है बेटा. ध्यान से दोबारा इस पिक्चर को देखिए और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए. आप बड़े आराम से इसको आंसर जो है वो कर सकते हैं. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस पिक को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्राह्मण्स हैं, जो इंडियंस को शो किया जा रहा है यहाँ पे, ब्राह्मण्स आर द सिंबल ऑफ इंडियंस. यस, द इंडियंस आर विलिंगली गिविंग ओवर देयर एनिशंट टेक्स्ट, जो उनके स्क्रिप्चर्स थे, जिसको शास्त्र बोला जाता है, किसको दे रहे हैं वो. ये जो इमेज है जिसको वो दे रहे हैं, इट इज़ ब्रिटानिया. नाउ व्हाट इज़ द ब्रिटानिया. ब्रिटानिया जो है वो एलिग्री थी, ब्रिटिश का सिंबल थी. जैसे भारत में भारत माता होती है ना, तो ऐसे ही ब्रिटेन में ब्रिटानिया. तो ये जैसे भारत माता भारत का सिंबल है एक तरह से, भारत को दिखाती है, तो ब्रितानिया जो है वो ब्रिटिश को शो करती है, ब्रिटिश पावर को. सो ये पिक शो कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है, डेट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एनिशंट टेक्स्ट और द शास्त्र टू द ब्रितानिया. उन्होंने ब्रिटिश जो पावर है उनको अपने हाथों से अपने सारे पुराने एनिशंट टेक्स्ट जो है वो सौंप दिए हैं. किस लिए? एज इफ दे आर आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर. जैसे कि वो खुद ही उसे कह रहे हो कि अब तुम ही इंडिया की प्रोटेक्टर हो सकती हो, इंडिया के लिए को जो है प्रोटेक्ट कर सकती हो, इंडिया की रक्षा कर सकती हो, इंडियन कल्चर की रक्षा कर सकती हो.
ये ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, ब्रिटिशर्स का बनाई हुई ही वो जो पिक है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा, उसके नीचे लिखा हुआ था हिंदुस्तान जेम्स रेनल, ये जो ज्योग्राफर थे जेम्स रेनल उनकी तरफ से बनाई गई पिक थी ये। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपका था, तो इससे ब्रिटिश की क्या परसेप्शन आपको पता चल रही है, तो इससे क्लियरली हमें पता चल रहा है ये इमेज देखने के बाद में कि इम्पीरियल सुपियोरिटी को दिखा रही है कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे कि देखो ये लोग जो हैं बेचारे इंडियंस जो हैं ये अपने कल्चर की भी खुद रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमें सौंप रहे हैं कि हम उसकी रक्षा कर दें। एंड इसके साथ साथ पीछे आपको ये लॉयन की इमेज जो दिखाई दे रही थी, दैट सिंबलाइज, लॉयन इज द सिंबल ऑफ पावर, पावर का सिंबल है वो, तो वो सुपीरियर पावर का सिंबल है। ब्रिटानिया के पीछे लॉयन दिखाया गया कि पावर है ब्रिटानिया के, ब्रिटिश के पास में पावर है। एंड द एम्पायर इज द गिवर एंड इट्स सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज लॉयल टू द थ्रॉन, कि जो एम्पायर है वो हमेशा, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तो सबको कुछ ना कुछ बांटता रहता है क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है, और ये बाकी के सारे लोग जो हैं इंडियंस हैं ये अब ब्रिटिश के प्रति लॉयल बन के रहेंगे, वफादार बन के रहेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पिक्चर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा सम एमसीक्यूज, अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक का नाम है, और जब हमने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था साथ में बताया भी था, आपके पास में फोर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ द चार्ल्स डार्विन, सेकेंड इज़ द जेम्स मिल, थर्ड इज अल्बर्ट आइंस्टीन एंड द डी ऑप्शन इज थॉमस हार्डी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डू यू नो द राइट आंसर? चलिए मैं आपको अपना राइट आंसर बताती हूँ, माई राइट आंसर इज जेम्स मिल। आई होप कि आपने भी यही आंसर फाइंड आउट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? देर आर फोर ऑप्शंस गिवन टू यू, ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी इज वॉरेन हेस्टिंग्स। यस बेटा हमने एक बार आपको पहले, आपकी बुक में भी एक पिक है फर्स्ट गवर्नर जनरल की, और एक्सप्लेनेशन में भी हमने आपको वो पिक शो की थी। सो द राइट आंसर इज डी वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो हमारा राइट आंसर है। टिक द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द, नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया अभी हमने बताया था आपको, इट इज़ अ म्यूजियम, कब बना था ये, हमने अभी ये क्वेश्चन किया है। आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, ए 1920s, बी 1930s, सीज 1940s एंड डी 1950। सो विच वन इज द करेक्ट? एब्सोल्यूटली यू आर राइट, राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज द 1920s। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स, कैलीग्राफर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आपने पहले सुना होगा ये वर्ड, आप कैलीग्राफी भी करते हैं, कैलीग्राफी राइटिंग होती है। फिर भी हम आपको फोर ऑप्शंस देते हैं, द फर्स्ट वन इज वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, बी ऑप्शन वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड सी ऑप्शन वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, डी ऑप्शन वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो विच माइट बी द राइट आंसर, कौन सा है सही आंसर? आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, लेट मी टेल यू द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, वन हु इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ, यस राइटिंग,
आप कैलीग्राफी भी करते हैं, हमने अभी आपको हिंट भी दिया था, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड। सेंसस क्या होता है? सेंसस का मीनिंग जनगणना। कब होती है ये? फोर ऑप्शंस आर गिवन, ए एवरी 5 ईयर्स, बी एवरी 7 ईयर्स, सी एवरी 10 ईयर्स एंड डी इज एवरी 12 ईयर्स। सो विच वन इज द राइट आंसर? आई थिंक सी इज द राइट आंसर, तो लेट अस लॉक दिस आंसर, सी एवरी 10 ईयर्स। तो जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती है, थी और होती है, इवन आज भी वही ट्रेंड है। सेंसस जो है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद जो है वो कराया जाता है। सो ऑल योर आंसर्स हैव बिन क्लियर्ड। आपके कुछ भी डाउट्स जो होंगे वो और भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा, एंड आई होप डेट यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक सून विद आर न्यू वीडियो लेक्चर फॉर यू। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय टू यू।